22 सितंबर नूं असेंबली दा स्पैशल सैशन होगा जिदे विच असीं विश्वास मत लैके आवांगे ते कानूनी तौर ते भी असीं दिखा देंगे कि पंजाब दे लोक जिहड़े ने ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार विशेष सत्र नहीं बुला पाएगी। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उसे रद्द कर दिया है। तर्क दिया गया है कि ये नियमों के खिलाफ है, लेकिन आपने इसे लोकतंत्र की हत्या बता दिया है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी के इशारों पर लिया गया फैसला करार दिया। आपको बता दें कि पंजाब की मान सरकार ने विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 22 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी दी थी, लेकिन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाने के आदेश को वापस ले लिया है। पंजाब के राज्यपाल की ओर से बयान जारी करके कहा गया कि ऐसा करने के लिए विशिष्ट नियमों की अनुपस्थिति के कारण पंजाब सरकार द्वारा विश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र का आदेश वापिस ले लिया है। उधर विशेष सत्र के रद्द होने के बाद दिल्ली से पंजाब तक सियासत तेज हो गई है। राज्यपाल के आदेश पर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट किया कि राज्यपाल कैबिनेट द्वारा बुलाए सत्र को कैसे मना कर सकते हैं, फिर तो जंतर खत्म है। दो दिन पहले राज्यपाल ने सत्र की इजाजत दी। जब ऑपरेशन लोटस फेल होता लगा और संख्या पूरी नहीं हुई तो ऊपर से फोन आया कि इजाजत वापस ले लो। आज देश में एक तरफ संविधान है और दूसरी तरफ ऑपरेशन लोटस। आपको बता दें कि 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास 92 विधायकों के साथ भारी बहुमत है, जबकि कांग्रेस के पास 18 विधायक हैं, शिरोमणि अकाली दल के पास 3, भारतीय जनता पार्टी के पास 2 और बहुजन समाज पार्टी का 1 और 1 निर्दलीय विधायक भी है। आखिर में आपको बताते चले क्या है विवाद और क्यों छिड़ा हुआ है संग्राम। दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि कम से कम 10 विधायकों को बीजेपी ने 6 महीने पुरानी सरकार गिराने के लिए 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश के साथ संपर्क किया था। आरोप प्रत्यारोप के बीच पंजाब में यह विश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी, लेकिन अब राज्यपाल ने इसे खारिज कर दिया है, जिस वजह से पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा गर्म है।